दोस्तों, हम लोग काफ़ी समय से नॉट कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं और अब नॉट कॉइन की तरफ से ऑफिशियल लिस्टिंग का अपडेट दे दिया गया है। ऑलरेडी एक एक्सचेंज तो पहले ही कंफर्म कर दिया गया था और इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की थी। जो यहाँ पे बाइबिट पे प्री लिस्टिंग हुई है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अभी आप देखेंगे इनकी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है। एक तो आप देख सकते हैं जो आपकी माइनिंग है वो क्लोज होनी है और उसका अगर आप अभी स्टेटस देखते हैं तो मैं यहाँ पर माइन के लिए ट्राई किया था तो अभी माइन हो रहा है, ठीक है। अब कितने घंटे में क्लोज करें का एक अलग अपडेट इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल का यहाँ पे बताया गया था कि 1 अप्रैल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो चलिए, जो यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है लिस्टिंग वगैरह का, वो आप सभी के सामने रखते हैं और किस किस एक्सचेंज पे जा सकता है इसकी यहाँ पे कुछ न कुछ जो अपडेट्स है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, जो यहाँ पे माइनिंग है वो जल्द ही क्लोज़ हो जाएगी। ऑलरेडी 1 अप्रैल का यहाँ पे अपडेट दिया गया था, अभी क्लोज़ नहीं हुई है। यानी आप अभी माइन ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हो रहा था, मैंने ट्राई किया है। हाँ, हो सकता है कि 1-2 घंटे में क्लोज़ हो जाए या 5-6 घंटे में क्लोज हो, तो इसका ऑफिशियली इनकी तरफ से एक ट्वीट वगैरह यहाँ पे किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लगभग कल ही इनके द्वारा यहाँ पे शेयर किया गया था इनके ट्विटर हैंडल पर। साथ ही साथ एक एक्सचेंज का मैं अभी ऑफिशियल यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो बाइबिट एक्सचेंज है इसका आपको यहां पे लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली। OKX, KuCoin, Binance, ये जो एक्सचेंजेस हैं या हुई ग्लोबल एक्सचेंज है, इनका कोई अभी अपडेट ज़्यादा यहाँ पे शेयर नहीं किया गया है। हाँ, इसका जरूर यहाँ पे शेयर किया गया था और इन्होंने अपने प्री मार्केट में लिस्ट किया है तो ये तो कंफर्म हो ही चुका है। तो इससे अभी आप देखेंगे जो प्राइस है उसमें भी आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैंने जहाँ तक डिटेल चेक की है तो उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, प्राइस में कुछ ना कुछ यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ है। अब क्यों इंक्रीजमेंट हुआ है तो वो सबसे पहले अपडेट आपको दिखा देते हैं जो इनके द्वारा शेयर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी तरफ से ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था 1 दिन पहले, और 1 दिन पहले बस दिखाया गया था कि जो बिटकॉइन की हाल्विंग है, यानी बिटकॉइन की जो हाल्विंग लगनी है उसका काउंटडाउन यहाँ पे दिखाया गया था कि लगभग यहाँ पे 20 दिन हैं, 12 घंटे हैं, 5 मिनट हैं, 41 सेकेंड है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बिटकॉइन की हाल्विंग यहाँ पे हो जाएगी। फिर बिटकॉइन जो अभी मिल रहा था करेंट समय में उससे यहाँ पे आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप देखेंगे बिटकॉइन हाल्विंग काउंटडाउन ऑटो अपडेट इन रियल टाइम विथ एवरी न्यू ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 घंटे पहले इनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और ये आप यहाँ पे देख लीजिए 9 घंटे पहले सीम्स लेजेंड। यहाँ पे कहा गया है कि नॉट कॉइन की जो लिस्टिंग है वो भी यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसमें कहा गया है कॉइन लिस्टिंग काउंटडाउन ऑटो अपडेट इन रियल टाइम विथ एवरी न्यू ब्लॉक एस्टिमेटेड टाइम। अब देखिए ये जो यहाँ पे टाइम दिखाया गया है ये एस्टिमेटेड टाइम है, तो इससे यहाँ पे अंदाजा लग सकता है कि आपका लगभग 20 तारीख के समथिंग यहाँ पे ये लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा। 20 तारीख को अब कितने एक्सचेंज पे होगा तो वो आपको जल्दी यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे बाइबिट आपका कन्फर्म हो गया, OKX हो सकता है, साथ ही साथ KuCoin हो सकता है, बाइनेंस भी हो सकता है क्योंकि काफी बड़ी कम्युनिटी है इनकी, तो बाइनेंस भी हो सकता है। अब ये कहाँ पे ले जाएंगे और क्या इनकी प्रायोरिटी होगी वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेट वगैरह भी दी गई है, प्रेडिक्टेड डेट अप्रैल 20, 2024। तो यहाँ पे इस समय पर आपका यहाँ पे नॉट कॉइन लिस्ट हो जाएगा एक्सचेंज पे और फिर आपका जो यहाँ पे माइनिंग आप कर रहे हैं, जो माइनिंग आप कर रहे हैं कॉइन की, वो आप यहाँ से सेंड कर पाएंगे। अब एक चीज और यहाँ पे अभी क्लियर करना चाहूंगा, देख सकते हैं अभी अगर आप माइनिंग पे क्लिक करेंगे तो करंट में आपका जो कॉइन है यहाँ पे आप देख लीजिए, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ 1 अप्रैल यहाँ पे शो हो रहा है और ये अभी यहाँ पे माइन हो रहा है, तो अभी यहाँ पे क्लोज नहीं किया गया है, आपका बैलेंस ऑलरेडी इसमें एड हो रहा है। साथ ही साथ ये जो कॉइन आपका है, देखिए बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे 10 मिलियन नहीं है तो क्या उनका विड्रॉवल नहीं होगा, क्या उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा? तो ये जो आपका कॉइन है यहां से कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक विड्रॉवल का सेक्शन ऐड किया जाएगा और आप अपना कॉइन यहां से विड्रॉवल करके हो सकता है कि जो टोन का वॉलेट है उसमें आप ले जा पाए। तो जिन लोगों ने टोन का वॉलेट नहीं बनाया है, ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था टोन के वॉलेट के ऊपर, जिसमें वॉलेट बनाने के ऊपर मैंने पूरा आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो भी थे A to Z बताए थे। अगर आपको क्रिएट करना है तो कर लीजिए, जो भी आपका कॉइन होगा विड्रॉवल उसी वॉलेट में हो सकता है और हो सकता है कि डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाए, लेकिन डायरेक्ट एक्सचेंज पे मुश्किल होगा, 4% चांस है कि डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाए, लेट में कॉइन जाने के ज्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। मार्च को इनकी तरफ से एक अपडेट प्रोवाइड किया गया था नॉट कॉइन का, जो यहाँ पे टोकनॉमिक्स है वो यहाँ पे शेयर किया गया था। इसमें आप देखेंगे जो टोकनॉमिक्स है इसमें लगभग यहाँ पे 100% किसके लिए रखा गया है, माइनर्स के लिए। जो 100% यहाँ पे माइनर है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड किए गए हैं। देखिए यहाँ पे प्री सेल वगैरह की तो यहाँ पे जानकारी अभी नहीं दी गई है, ये आप देख सकते हैं नॉट डाउ और यहाँ पे लिक्विडिटी, ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो नॉट टोकनॉमिक्स है, नॉट टोकनॉमिक्स इज नॉट
जो नॉट कॉइन है यहाँ पे कहा गया है नॉट कॉइन इज नॉट लाइक अदर कॉइन्स योर प्रॉब्ली एंड नो दैट ऑलरेडी, यानी इनकी तरफ से कहा गया है कि नॉट कॉइन अदर कॉइन की तरह नहीं है, ये आप सभी पहले से ही जानते हैं। जैसे अदर कॉइन है, जैसे आपका सोलाना है, सोलाना है या आपका कोर है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा अलग अलग होता है और ऑलरेडी आप देखेंगे काफी पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अलग रखा गया है, साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर की गई है नॉट कॉइन का जो टोकनॉमिक्स है इसके बारे में यहाँ पे आप देखिए। और एक और यहाँ पे पोस्ट की गई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद ऊपर आऊंगा। यहाँ पे आप देखिए नोट कन्वर्जन वांट चांस टू वैल्यू फॉर नॉट कॉइन यू हैव सिंपलीफाइड ट्रेडिंग फॉर डोंट नीड टू काउंट जीरो इन द प्राइस, यानी जो नॉट कॉइन का यहाँ पे क्या है प्राइस है उसमें जो जीरो आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में ये यहाँ पे कहा गया है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के पास आप देखेंगे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कहा गया है इन गेम बैलेंस वाउचर टोटल सप्लाई प्री मार्केट ऑन एक्सचेंज एवरीथिंग विल हैव सम कन्वर्जन रेट, यानी जो यहाँ पे रेट है अगर प्राइस बढ़ेगा तो सभी का प्राइस इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है जैसे मार्केट में लिस्ट हो गया और कॉइन का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हो सकता है कि यहाँ पे आप देखेंगे क्या जो आपका कॉइन है वो आपका किस में पड़ा है नॉट कॉइन वाउचर में, तो उसका भी प्राइस बढ़ेगा, मार्केट में प्राइस होगा वही एक वाउचर का प्राइस होगा। जो और बोलना चाहेंगे नॉट कॉइन की जो टीम है नॉट कॉइन की तरफ से हमेशा कोई भी यहाँ पे ट्वीट किया जाता है या कोई अपडेट दिया जाता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कन्फ्यूजन जरूर ऐड किया जाता है। आप देखेंगे जो भी चीज इनके द्वारा शेयर की जाए कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है आई वुड बी हेल्प फॉर इकोसिस्टम ग्रोथ हैप मैनी फॉर अमाउंट फॉर नॉट कॉइन प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट अपकमिंग लिस्टिंग एंड ऑल मिलियंस फॉर पीपल एंड देयर कम फॉर नेक्स्ट देयर आर नो गुड आइडिया फॉर दिस टोकन दे विल बी बर्न, यानी कहा गया है कि अगर लोगों का विचार अच्छा नहीं हुआ तो हम आगे चल करके टोकन को बर्न भी यहाँ पे करेंगे। जो भी यहाँ पे लिस्टिंग का अपडेट है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिलेगी 20 तारीख के समथिंग यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और उस समय आपका डुबल का ऑप्शन क्या होगा आने वाले अपडेट्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, किसी अदर टॉपिक पे फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर